हम लोग अभी यहां पर तेल अवीव में घूम रहे हैं किकार डिजिनगोफ है शाम के 7 बजे है और ठंडी हवा चल रही है यहां पर फैमिलीज अपने अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिलीज के साथ बैठ रहे हैं और हवा खा रहे हैं एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूं आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज मैंने रखी है हम लोग आज एक फेमस वुमन से मिलना चाहते हैं जिसका नाम है रीना पुष्करना और उनका यहां पर कुछ-कुछ रेस्टोरेंट्स हैं और एक रेस्टोरेंट इधर तेल अवीव में है और मैं आपको उनसे मिलाने जाती हूं और उनके खाने से उनका थोड़ा सा खाना खाते चलिए रीना पुष्करना जी नमस्ते नमस्कार जी मैं बहुत खुश हूं यहां पर आके और मैं कहना चाहती हूं हैप्पी दिवाली दिवाली आ रही है दिवाली और नववर्ष की शुभकामनाएं हार्दिक शुभकामनाएं थैंक यू सो मच और आप तो हमारे राइजिंग स्टार हैं पहली बात तो आप पहली वुमन है यहां पर जो इतनी फेमस है और उनके इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इतना नाम कमाया है आपने और इसके लिए मुझे बहुत गर्व हो रहा है एक्चुअली लियोरा आप अभी जो जिस तंदूरी में बैठे हैं ये जगह को हमने 40 साल पहले खोला था और लोग जो हैं वो दूर से देखते थे कि हम कौन हैं हम क्या चीज हैं और जब कोई आता था हमारे को मिलने के लिए तो हम उनको दरवाजे के पास या खिड़की के पास बिठाते थे कि लोग देखें बाहर से कि लोग हैं यहां पे मैं तब छोटी थी मैं आती थी यहां पर अच्छा के साथ हां अच्छा तो आपके गाने से और मेरे खाने से हम लोग ने इजरायलियों का दिल जीत लिया मैं वही कह रही थी कि जब म्यूजिक की बात आती तो लियोराइज कहते हैं और जब कुलिनारी की बात आती है तो रीना पुष्करना की बात होती शुक्रिया, है शुक्रिया रीना जी आपको कैसा लगता है जब यहां पर आप खाना बनाते हैं यहां के इजरायली लोग और जो हमारे इंडियन लोग भी है उनकी कैसा आप वो कॉम्बिनेशन करते हो कैसा आप उनके टेस्ट को पहले तो इजरायली बहुत कम मिर्ची खाते थे अच्छा आज वो हमारे से ज्यादा मिर्ची खाते हैं पर उनको आजकल वहां ये क्योंकि पूरा दुनिया जो है अभी खुल चुका है और लोग बहुत ही ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह तो इजरायली जो है हिंदुस्तान जाके हिंदुस्तानी खाना सीख रहे हैं पर मेरे को पूछा गया एक हफ्ते पहले कि क्यों ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट्स नहीं है और मैंने जवाब दिया कि ये खाना जो है हम लोग को इस खाने के साथ में बड़ा होना है मींस हम लोग इस ये खाने के साथ पैदा होते हैं और इस खाने को हम लोग इतना सा प्यार देते हैं कि हम लोग ये खाने के साथ आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तानियों ने वही किया है यहां पे अभी और उसकी वजह से इजरायली और हिंदुस्तानी मेंटालिटी एक जैसा है फैमिली ओरिएंटेड तो वो अपना सब लोग अपना खाना आगे बढ़ा रहे हैं और इस स्टाइल में इस तरह से मेरे को भी चांस मिला मेरा खाना आगे बढ़ाना अच्छा और जब आप खाना बनाते तो स्पाइसी आपने कहा कि अभी तो वो लोग स्पाइसी खाते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप उनकी तरह से एक्चुअली मैं फ्यूजन में मेरा कोई विश्वास नहीं कोई विश्वास नहीं ओके मगर मैं हमेशा चाहती हूं कि जो जैसा टेस्ट हो वैसे बाहर लेके आओ और जो मिर्ची का टेस्ट है वो सबके ऊपर डिपेंड होता है तो हम लोग जब आके मैंने सब वेटर लोग को बोला है कि जब वो ऑर्डर लेते हैं टेबलों पे होस्टेस ऑर्डर लेती है टेबल पे तो हमेशा पूछने के लिए कि आपको खाना कैसा पसंद है माइल्ड मीडियम या स्पाइसी क्योंकि सबको चांस होनी चाहिए हिंदुस्तानी खाना टेस्ट करने के लिए और हिंदुस्तानी खाना जानने के लिए तो ये सब प्यार से हम लोग बहुत प्यार से और बहुत विश्वास से ये खाना बनाते हैं मुझे मालूम है कि आप नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों टाइप का रेस्टोरेंट्स खाना है बट ज्यादा इजरायलियों को नॉर्थ इंडियन पसंद है क्योंकि आधा जो मेन्यू है वो तंदूरी है और तंदूरी इज ग्रिल्ड फूड या बराबर है हाँ. और यहां पर जो तिवोनी होते हैं जो बहुत चॉइस है बहुत चॉइस है तो बहुत सारी चॉइसेस है वेजिटेरियन और वीगन खाना हमने बहुत आगे बढ़ाया हुआ है आजकल लोग बहुत पसंद करते हिंदुस्तानी वीगन खाना क्योंकि
दूसरे दूसरे क्विजीन के बात करो तो सलाद सलाद और सलाद और हमारे पास जो है कई किस्म की सब्जियां हैं जो हम आगे बना के आगे देते हैं बहुत सारे हाँ बहुत सारे और दाल दाल प्रोटीन ज़्यादा ओह या मैंने सुना है कि आप इजरायली लोगों को थाली बहुत पसंद है हाँ सडनली उन्होंने थाली में उनका बहुत चाहत है बहुत विश्वास है क्योंकि ये एक कंप्लीट मील है जो डिज़र्ट भी है चावल भी है नान भी है और अगर वेजिटेरियन हो तो आपका पालक पनीर है दाल है छोले है कोई मिक्स वेजिटेबल है या बैंगन भरता है और हमारा जीरा चावल तो लोग बहुत पसंद करते हैं और अगर कोई पनीर ऑर्डर करना चाहे तो हम लोग पनीर भी देते हैं मगर हम लोग जैन खाना भी बनाते हैं यहाँ पे मैंने मुझे मालूम है मुझे हम लोग जैन खाना भी बनाते हैं तो हर 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 एक के लिए उनका टेस्ट या उनका उनको जो चाहिए हम बनाते हैं यहाँ पे हैप्पी दिवाली दिवाली मनाओ मनाओ मैं कहना चाहती हूँ सब इंडियन व्यूअर्स और इजरायली व्यूअर्स को आपको खाना खाना है तो सिर्फ तंदूरी में तेल अवीव हर्जलिया में फोन उठाओ आओ यहाँ पर खाने के लिए सब कुछ है यहाँ पर सब कुछ मिलेगा यहाँ पर ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं मिलेगी आपको बहुत और, बहुत शुक्रिया रीना जी वेरी थैंक यू सो मच और आपको फिर से और सब व्यूअर्स को नव वर्ष और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं ये हम हिब्रू में लेखाइम बोलेंगे चीयर्स चीयर्स लेखाइम हिब्रू वर्ड